हेलो भैया, आ गए फिर से इको ब्लॉग में। और हमारा नाम है आनंद चतुर्वेदी, हम बनाते हैं बुंदेली ब्लॉग। तो आज हम एक बराज गांव में आए थे, हमारा मतलब बड़ा मेला के पास में ही है। तो ये थे हम आए हैं भागीरथ आशिक, जो कि बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, और मतलब हमारे क्षेत्र के सब जन इनकी वीडियो देखे थे। तो इनने एक ऐसी मीटिंग रखी थी इतने के मतलब इतने सब भी जितने बुंदेलखंड के अपने यूट्यूबर हैं, छोटे बड़े सब इतने आएँ, उन्हें सलाह दी कैसी वीडियो बनाना है, कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो देखो जी हैं अपने इतने भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब इतने आपने जो मीटिंग रखी थी कि मतलब कि एक सभ्यता से वीडियो बनाया अपन इतने बुंदेली, और हमने ये मतलब कई चीज़ें देखी हैं रील्स में भी। आज कल ऐसा हो रहा हो कि हम बता सीधी बात बताया हम तो देखो हमने एक ऐसी एक वो देखो जो पहले थी माला सी पहना तो लड़का वो अपने इतने जटा शंकर में वो मतलब शंकर जी की उम्र किसी गलत वीडियो बनाऊ उन्होंने बहुत गलत बनाई लोग कछु ने कही थी। तो हमें उस टाइम पे रील्स देखी, हमें उस टाइम पे भी बहुत गुस्सा आई थी, हमने ठीक है कभी किसी मिले उनसे। देखो अपन हिंदू हैं, कम से कम अपने धर्म खा तो ना बदनाम करो, रील्स चलावे के चक्कर में और रील्स के चक्कर में वही है। तो हमें मतलब इतने आके हमें जो देखो हमने मीटिंग की थोड़ी सी क्लिप लगा दे भी हमें, और मेन हमारा मकसद तो इनसे मिले दिखाना है। तो हमने मतलब पहले सोची थी और हमने मतलब ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियो बनाए तुम्हारे संगे काम करें, लेकिन फिर हम सोचिए अपने ब्लॉगिंग करो, अपना अलग काम देखो एक यूनिक काम भी है ब्लॉगिंग, बुंदेली ब्लॉगिंग, बुंदेली खंड में जो है ब्लॉग भी कोई नहीं बना रहा है, एक यूनिक है और यूनिक चीज़ चलत भी हो। हाँ जैसे मान लो एक भैया वो बोल रहे थे, बोलते मतलब बुंदेली में सब कोई बुंदेली कॉमेडी बनाओ बस अपने, बुंदेली खंड में बुंदेली कॉमेडी के अलावा कोई काम ही नहीं। वो हम अगर आप भी मतलब सर्च करेंगे देखिए बुंदेली ब्लॉग है ना, कोई नहीं डाल रहा नहीं डाल रहा पता है बुंदेली ब्लॉग। आपके चैनल का नाम क्या? हमारा नाम है द आनंद चैनल को। अच्छी बात है। तो आप थोड़ी बोल दो मतलब सब्सक्राइब वगैरह। तो भैया बिल्कुल इनकी जो बुंदेली ब्लॉग बनाऊ थे बुंदेलखंड में, यूनिक काम करने की सोची है इनने, उनका चैनल है द आनंद के नाम से। तो बुंदेली जो ब्लॉग है चाहे कलाकार से मिल वो हो, चाहे बुंदेली को क्षेत्र हो वे या को अच्छी कछु भी हो वे, एक यूनिक चीज़ हो वे तो उखा दिखावे की कोशिश करते हैं भैया द आनंद। और अच्छी बात है इनके बुंदेली ब्लॉग बनाऊ तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे कि अभी मतलब हमने ऐसा देखो कि काफ़ी जाना छतरापुर रेलवे स्टेशन से आज गए और उन्हें मतलब छतरापुर रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम जाना पड़ा। हमने एक ब्लॉग डाला तो मतलब छतरापुर रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम कैसे जाए, मतलब हमारे 150 सब्सक्राइबर के हिसाब से 500 व्यू आ गए थे तुरंत एक दिन के अंदर। तो मतलब इंप्रेशन गई थी 10-12 हज़ार। तो मतलब हमें ऐसा लगा कि बुंदेली ब्लॉग हम बना रहे हैं अगर तो मतलब ठीक ठाक रहे। बुंदेलखंड की जो चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, कहा बुंदेली कॉमेडी बनाए भाई तो जा कर रहा है कि अपनी कॉमेडी बना रहे हैं और वैसे अपने पेट पाल रहे हैं, लेकिन इसे अपन अपना पेट भी पाल रहा है और बुंदेलखंड की जो कछु जानकारी नहीं मिल पाई आदमी ने, अपने बाहर की आदमी तो बस जानकारी मिल रही है। तो बहुत अच्छा पहल है आपकी, अच्छा भी लग रहा है। जैसे छतरपुर की भी हमने काफ़ी चीज़ें दिखा, हमने सोची कि हमें हर चीज़ दिखाना है अपने छतरपुर। जैसे मान लो कॉमेडी सबको बना रहा हो, मतलब कॉमेडी बनाओ है और कॉमेडी की हद भी पार कर रहा है, मतलब हद मतलब हद ना तो इसमें अपनी जो बुंदेली ब्लॉग है जो ना इसमें हद पार हुई, अपन तो एक छिपी हुई चीज उजागर कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अब आपने भी शायद देखी एक लड़का लड़की छोटे छोटे से हैं भी मतलब हद पार कर रहे हैं कॉमेडी के लाने, मतलब लिपट जाते हैं सब कुछ कर रहे हैं भी। सो वो भी हमने देखो, हमने की जल गए ऐसी चीज़ ना हो चाहिए। आपने सही मीटिंग रखी, आपने सब चीजें बताई हैं कि मतलब ऐसा करने ऐसा नहीं करने। हाँ देखो मान वो आदमी के ऊपर है, कहते ना यूट्यूब के हमारे बाप को ना कूगे बाप को, बस वो जान जाए और अपनी कल्चर बचो रहा बस वो यानी सब बता के अंदर आवे। तो जहाँ तक है आपकी बात माने, कहा गया अभी आपने शुरू करो तो क्षेत्र में मतलब जिस आप बड़े हो गए तो आपके हिसाब से मतलब हमारे हिसाब से सब चीज़ें सुने जाए। तो भैया बहुत अच्छे लोगों हमें से मिल गए और हमारे पास ही हैं सब जने, तो बस जो भी लोग तो हमारे आप को थोड़ी सी क्लिप बनाई है हमने बीच में जी बोल रहे थे कुछ बताए थे वो भी हमें ऐड कर दे भी। तो बस जो बार लोग अच्छे लोग बहुत वीडियो लाइक करिए और चैनल पे पहली बार वीडियो देखी सब्सक्राइब कर लियो, कहे कि ये चीज़ें बार बार नहीं मिलती, कहा पता कौन बुंदेलखंड की क्या चीज़ मिल जाए इनके द्वारा, कहीं जा रहा है तो ऐसे बुंदेलखंड की छिपी हुई चीज़ें बार मिल जाए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लियो। धन्यवाद। ठीक है भैया, लते अगले ब्लॉग में, तब तक जय हिंद जय भारत। अच्छी बात लगी जब इन्हों की है कि जो लड़के फोन लगाते खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, तो बिटिया भी तो कहती हाँ खाओ खा लो, बिटिया भी तो कहती क्या सुना खा लो ना, कल है शूटिंग तो भी कह भैया हमें वापस खेल रहा था। और एक समय समस्या हमारी खुद कि भैया कॉपी गलत हुई, बहुत कॉपी गलत कि हम बात करें बाद में करें बात टकला तो ब्याह निकाल तो रंग लू को ब्याह निकाला, ई को ब्याह निकाला।